हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते रहे होंगे। और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका। अभी हैप्पी विशाक्षी फैमिली चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए कहाँ आ गए हम लोग। तो हम लोग आ चुके हैं आगरा, और ये है आगरा फोर्ट के बाहर का नज़ारा। तो मैं आपको अंदर भी ले चलूँगी, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में, बहुत इंजॉय करने को मिलेगा और बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं अंदर। रानी जोधाबाई के एक भाई थे ना मानसिंह, जो राजा मानसिंह थे जयपुर के राजा, जब जहांगीर का जन्म हुआ तो उनके मामा मानसिंह ने उनको गिफ्ट दिया। सिंगल पत्थर का है, कोई ढूंढ रही है अंदर बाहर। भैया ये कहाँ जा रहे हम लोग? महल का नाम है जहांगीर महल। अच्छा, सन ऑफ अकबर, फादर ऑफ शाहजहां। छोटा सा विंडो है ना, वेलकम होता था जब सिंह अंदर जाएगा ना, लेडीज का फूल डाल के वेलकम। अच्छा, ये सब पैसा पता चलता नहीं था। यहाँ पर है ना मैडम, नगाड़े बजते थे, नगाड़ा होता ड्रम बोलते ना, जला पधारे साले डोसिया, तो नगाड़े बजते थे जब पास्ता लोग अंदर आते थे। उसका सिनेमा में देखते नहीं? हाँ हाँ हाँ, समझ चलते चलिए समझ पे चलते। हाँ सब तो घूम जहांगीर का महल है, पूरा हिंदू आर्किटेक्चर का है, राइट टाइम डिजाइन का है। जोधा भाई इसी में रहते थे। जोधा भाई जो थी ना राजस्थान की, इसलिए महल का डिजाइन राजस्थान का है, राजस्थानी डिजाइन है। लाल पत्थर का महल है, ये हिंदू रानी जोधाबाई का मंदिर था ना, राधा कृष्णा का। अच्छा, यही है ना, औरंगजेब ने इसको हटवाया था। और इधर वाला डाइनिंग हॉल है खाना खाने का, इसके पीछे किचन का एरिया है ना जो बंद करा दिया गया है। अकबर के टाइम में मैडम यहाँ मुजरा होता है, लेडी डांस नाच गाना। ऊपर वाला सीट पर राजा बैठ के दिखते थे, नीचे वाला सीट के अंदर में रानी बैठ के दिखता था। रानी लोग फेस नहीं दिखाता ना पर्दे में, छोटा छोटा विंडो में अच्छा लेडीज खड़ा था, फूड डालती जब यहाँ प्रोग्राम होता था, इसलिए इस महल का नाम रखा गया था महल। ये रूम देखिए पीछे वाला, ये जहांगीर का बेडरूम है, क्योंकि मुगल टाइम में दरवाजे नहीं थे, मुगल टाइम में ऊपर का नहीं आया। इसी रूम है, इस महल में मैडम डबल दो दीवार है, डबल दीवार है। हाँ। दीवारों के बीच में गैप है, अगर उसमें पानी डालोगे तो रूम ठंडा करेगा। ऊपर टेरिस पे देख रहे हो, वो पानी का टैंक है, वाटर टैंक है। और टैंक से बाउंड्री वॉल के अंदर में वाटर डालेंगे तो रूम कूलिंग करता है ना अंदर में, अगर ज्यादा डालेंगे वो तो हॉल दिखे वो नीचे वाला, उसमें फ्लो वाटर निकल कर इधर आएगा, इधर से बाहर यमुना नदी में चला जाएगा। सेम ये वाला महल है, ये बंद करके इंडियन गवर्नमेंट ने, ये वाला ओपन है, हम लोग देख के चलेंगे। इधर से ताजमहल देख लीजिए, अच्छा ऊपर से हाँ यहाँ तो दिख रहा है, देखिए ना वो दिख रहा है। ताज का बेडरूम है, ताजमहल उनकी कबर है ना, समाधि है, ये उनका बेडरूम है। ऐसे ही मार्बल ताजमहल में भी है, जो राजस्थान का है मकराना मार्बल है। पेंटिंग के लिए पुल था सोने का, ये पुल है ना चलते हैं दीवारें, ये पूरा गोल्ड का था, मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आया अंग्रेज, उन्होंने गोल्ड को हीट किया ना गर्म, आग लगाया, आग लगा के गोल्ड को हीट करके निकाला था, जमीन में काला पड़ा था, धूप चल रही आग लगा के। और ये उसने उसको पहना था हैंड पैन, कपड़े वाले रस्सी वाले पंखे चलते थे और बाहर से पर्दा होता था। तो ये उनका बेडरूम है साजा और मुमताज।
of the past, like गार्डन में, इस गार्डन का नाम अंगूरी बाग था और अंगूर से वाइन बनती है फिर वाइन, इसलिए पूरा अंगूर का बाग लगाया गया था। ये अंगूर, ये अंगूर का पेड़ है ये सारा, वो नॉर्मल है। और ये हरम लेडीज है, जैसे इसमें नॉट जेंट्स अलाउड, ओनली फुल लेडीज लेडीज है, उनको बोलते थे हरम लेडीज। 300 रूम अभी भी है वो जो ऊपर पूरा डबल स्टोरी है। ये दूसरी बेटी की पाल गीत है, इसका नाम है जहानारा। जहानारा, ये जहानारा, ये शाहजा मुमताज का बेडरूम। अच्छा, ओके। अब हम लोग चलेंगे टेरेस पे दीवाने खास। क्या हो गई क्या पानी पानी का टैंक है ना, बहुत छोटा पानी। ये आगरा फोर्ट से कोई इमरजेंसी टाइम में अटैक होता है ना, तो ये इमरजेंसी गेट है बाहर जाने के लिए। सीढ़ियाँ इसके अंदर पे 180 फीट है। ये कहाँ जाके निकलता है? यमुना नदी की साइड। अपने गवर्नर को यही दफना दिया था। गोंडी वॉल के पीछे आर्मी है, पब्लिक गेट से पब्लिक का मीटिंग होती नहीं, यहाँ पब्लिक का डिस्ट्रो होता था। तो ये था आगरा फोर्ट ब्लॉग। तो बताइएगा फ्रेंड कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे आगे। ये था आगरा ब्लॉग पार्ट 1 और इसका पार्ट 2 भी मैं डालूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो इंजॉय करते रहिए। और इसके बाद मैं थोड़ी पिक भी डाली हूँ, तो आप लोग पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। बाय।